नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एक और नगर पालिका परिषद नगर को स्वच्छ बनाने की बात करती है, लेकिन जब बजट पास होकर उपकरण यहां आते हैं तो उन्हें सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक्या फिर से नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है, जहां 6 डस्टबिन वाले रेहड़े सफाई कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनका आवंटन आज तक नहीं हो पाया है। ये 100 रेहड़े प्रत्येक वार्ड के लिए मंगाए गए थे, पर पालिका अध्यक्षा और ईओ की अनदेखी के चलते ये रेहड़े पालिका प्रांगण में जंग खा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, बारिश व गर्मी के मौसम की मार झेल कर ये रेहड़े खस्ता हाल होने का मजबूर हैं, लेकिन इस ओर न तो पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल की नजर गई और न ही ईओ पालिका विकास सेन की। केंद्र और प्रदेश सरकार चाहे कितने भी स्वच्छता बनाने के प्रयास कर ले, लेकिन काम की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की बदौलत ये सब अभियान बेमाने साबित हो रहे हैं। इन रेहड़ों पर पूछे गए सवाल पर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल का कहना है कि वह इस मामले पर त्वरित कार्रवाई कर इन रेहड़ों को वार्डों में आवंटित कराएंगी। ज्ञात रहे कि पालिका की बोर्ड बैठक में हर बार सफाई के मुद्दे को लेकर ही हंगामा उत्पन्न होता है, लेकिन पालिका कर्मचारी ईओ और अध्यक्षा अपनी मनमानी करते हैं और काम के लिए आए उपकरण मात्र धूल फांकते रहते हैं। क्या इसी के लिए जनता ने पालिका अध्यक्षा बनाया था अंजू अग्रवाल को कि उनके काम के लिए आए उपकरण और अन्य सामग्री सिर्फ पालिका में सड़ती रहे? ये हमने इसके शहर की गंदगी को देखते हुए हमने सोचा था कि हमें रिक्शा मंगाई ली जाए। 6 डस्टबिन की हमने रिक्शा मंगाई है, जिसमें ये सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा डाला जाएगा। तो ये आ तो गई थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ईओ साहब को भी बोला था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि जिससे कि ये कर्मचारियों के पास पहुंचे और वो इसका सही उपयोग कर सकें। तो मैं आज फिर जाकर के बोलती हूँ पालिका में कि क्यों नहीं हो पाया है, इसकी वजह मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं अब जाकर तुरंत इसका जो है करती हूँ और सभी वार्ड में ये भेजी जाएंगी, जिससे कि हमारी जो है सफाई का थोड़ा सा हमें समाधान हो सके। सफाई की समस्या बहुत एक विकराल रूप लेती जा रही है और हमारे पास साधन होते हुए भी संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक है, अब मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ। लेटर भी मैंने लिखा था इसीलिए कि भाई 14 वित्त से हमने मंगाई है, जल्दी से जल्दी आप भेजें। तो अब मैं फिर जा करके पता करती हूँ ईओ साहब से और अपने अधिकारियों से कि क्या वजह है कि इतना लेट कैसे हो रहा है। 100 कराई है हमने ये अभी, और वैसे प्रस्ताव तो हमने 200 का भेजा था, लेकिन मैं रुकवा दिया था। मैंने पहले 100 देखते हैं कि किस किस तरह से हम रखेंगे, और पहले तो हम ये 100 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद मतलब जिस तरह से भी डिमांड होगी उसके बाद हम और। बस बर्बाद तो खैर नहीं कह सकते, पर यह है कि हाँ थोड़ी देर जरूर हो रही है, काफी कहने के बावजूद भी बस पता नहीं क्या कारण है, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। और मैं अब जाकर के जल्दी जल्दी इसको करवाती हूँ। ये मैं भी देख रही हूँ कि काफी दिन से खड़ी है, और इसके ये मैं बार बार कह भी रही हूँ, पर बस वही है कि हो सकता है कुछ वजह हो, उसका मुझे अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। मैं पता करती हूँ जाकर के और शीघ्र इनको भेजती हूँ। मुजफ्फरनगर में नदी में नहा रहे 2 बच्चे नदी की तेज धार की चपेट में आ गए। दोनों बच्चों को डूबते देख आसपास के लोगों ने नदी में छलांग लगाई, जिसमें एक बच्चे को तो मौके पर ही बचा लिया गया, लेकिन दूसरे बच्चे का कोई अता पता नहीं लग सका। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस और आसपास के लोगों ने घंटों की मशक्कत कर नदी के आसपास के क्षेत्र को खंगाला, लेकिन डूबे हुए बच्चे का कोई अता पता नहीं लग सका। इससे पहले भी नदी में नहाते वक्त कई बच्चों की जान जा चुकी है। खनी बस्ती के नजदीक से गुजरती इस नदी में हर महीने 1-2 घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र के नियाजीपुरा का है, जहां बारात में पहुंचे 2 बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते तेज बहाव के चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने एक बच्चे को तो सहकुशल निकाल लिया, लेकिन दूसरे बच्चे का नदी में कोई पता नहीं लग सका। फिलहाल नदी में गोताखोर बच्चे की तलाश कर रहे हैं। ये बच्चे बारात में आए हुए थे हमारे यहाँ, ये नदी में नहाने आ गए, तो ये यहाँ बच्चा डूब गया। 2 पुलिस वाले अधिकारी आए हुए हैं, 2 दरोगा
बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं, अभी कोई नहीं आई गुरुवार को विश्व योग दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजीव बालियान, जिलाधिकारी राजीव शर्मा, अनगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में साधक योग दिवस पर स्टेडियम में पहुँचे, जहाँ योग शिक्षिका सोनिया लूथरा द्वारा सभी को योग सिखाया गया। वहीं योग के विभिन्न आसनों से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और बड़ी खुशी की बात है कि जब योग दिवस डिक्लेयर हुआ तो सिर्फ योग हिंदुस्तान में था, आज 170 देशों में आप देखिए आज शहर में हर कस्बे में करीब करीब हर गांव में आज सुबह से योग किया गया है, तो इसके लिए सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहचान मिला है। किसानों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कचहरी गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने कचहरी गेट पर धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा को विस्थापित करने के विरोध में किया गया, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान किसानों की फसल का उचित दाम, गन्ना बकाया भुगतान और समय पर भुगतान के साथ ही बढ़ी विद्युत दरों को वापस लिए जाने की मांग की गई। यह धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक और मुख्यालय पर किया गया। किसानों ने प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने की मांग की। वहीं उन्होंने प्रतिमा स्थापित न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा जो है एक ज्ञापन यहाँ किसानों के माध्यम से दिया गया था अपनी मांग को लेकर। उनका कहना था कि इलाहाबाद नगर में एक झलवा जगह पे माननीय महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण हटा दिया, जिससे किसानों का अपमान हुआ है। उनकी मांग थी कि इस मूर्ति को तत्काल वहाँ रखवाया जाए, क्योंकि प्रकरण इलाहाबाद जनपद का है और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि ये मांग रखी जा रही है। तो ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ DM द्वारा भेजी जाएगी, इस प्रकरण में इनका संज्ञान लिया जाए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। अब चूंकि ये प्रकरण तो इलाहाबाद जनपद का है, हमारे जनपद का नहीं है, फिर भी हमने इसको आश्वासन दिया है कि क्योंकि इनका ये आंदोलन पूरे यूपी में चल रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी मांगों विचार विमर्श किया है। सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन था वहाँ पे 2 घंटे का, कल किसान समुदाय के साथ में इतनी बदतमीजी भाजपा सरकार ने की, मैं नहीं समझता कि आजादी से बाद में ऐसी कोई घटना घटी होगी। राजनीतिक नेताओं की आप मूर्ति उखाड़ सकते हो, वो आपका वोट बैंक का समीकरण हो सकता है, लेकिन अराजनीतिक रहते हुए काले अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले हमें हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा को हाथ लगाया और उसको विस्थापित कर दिया, उसको लेकर आज सांकेतिक धरना था। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी हमारा कोई भी आदमी, कोई भी सरकार या इस देश का कोई भी प्रभावशाली नेता हो, वो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति के अपने गंदे हाथ लगाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आज शाम तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पुनः स्थापित उसी जगह ना हुई तो 2 अप्रैल की जो घटना पूरे देश में घटी थी, बसें जली थी, आपकी रेल जली थी, सड़क जाम थी, रेल जाम थे, हम उसको पुनर्वर्ती करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और बीजेपी सरकार कान खोल कर सुन ले, जब से यह सरकार आई है किसानों के विरुद्ध बहुत हानिकारक निर्णय ले रही है, लेकिन हम निर्णय को बर्दाश्त कर लेंगे। गन्ने का भुगतान ना मिले 100 रुपये ना मिले, गन्ने का मूल्य ना मिले 200 रुपये ना मिले, लेकिन हमारे बापा के साथ में महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में कोई हरकत करेगा तो इसका जवाब 2019 में बीजेपी सरकार को वोट के रूप में देंगे। जो स्थिति अब से इनकी 5 साल पहले थी, जो जिले में 1-2 सीट विधायक के रूप में निकलती थी उसी पोजीशन में लाकर छोड़ देंगे। और कोई भी बीजेपी नेता कान खोल कर सुन ले, अगर मूर्ति स्थापित नहीं होती है
तो गांव में हम उनकी गाड़ियों में उपले भर देंगे, गुस्से भर देंगे। विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला CMS अमिता गर्ग सहित समस्त चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान CMS अमिता गर्ग द्वारा संपूर्ण स्टाफ के साथ योग अभ्यास किया गया। वहीं CMS अमिता गर्ग ने सभी को योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और मनुष्य को स्वस्थ काया मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और ये जन सामान्य में एक हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि यदि सुबह सुबह शारीरिक व्यायाम कुछ किए जाएं और वो आपको पूरे दिन के लिए जो है स्वस्थ रखते हैं, पूरे दिन के लिए आप में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका मुख्य हमारा जो मकसद है वो यही है, सब में ये संचार पहुंचाना, सब में ये मैसेज पहुंचाना कि यदि हम सवेरे के 15 से 20 मिनट अपनी कुछ व्यायाम को दें तो पूरे शरीर हम स्फूर्तिवान रह सकते हैं। और मुझे बड़ा हर्ष है हमारे चिकित्सालय के बहुत लोग इसमें जो है बहुत ही सक्रिय योगदान किया। हमारे यहाँ कुछ लोग अच्छा कोर्स भी करे हुए हैं योग का, जैसे कि विजेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने हम लोगों को कराया। हम लोग खुद करते रहते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छा जो है इस तरह से मैसेज लेके आज जाएंगे यहाँ से। और मैं देख रही हूँ कि हमारे जो चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मी हर वर्ग का जो है व्यक्ति हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है और हम सबके अपने इस योग प्रोग्राम से व्यायाम से सबको लाभान्वित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय कैंप्स में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने आकर अपने ऊपर पहले तो मिट्टी का तेल छिड़का और उसके बाद खुद को आग के हवाले करने के लिए माचिस को जलाने लगा, मगर जब तक माचिस अपना काम कर पाती उससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आत्मदाह करने के प्रयास में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति भाजपा के एक विधायक के यहाँ पिछले 6 महीने से नौकरी कर रहा था, जिसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। अपनी पत्नी को पाने के लिए उक्त व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहाँ थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी नगर निवासी व्यक्ति शेखर उर्फ पुष्पेंद्र अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिलाधिकारी कार्यालय कैंप्स में घुस आया और जैसे ही अपने आप को आग के हवाले करने के लिए माचिस की तीलियां आने लगा तो जिलाधिकारी कार्यालय पर तैनात पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उसके हाथ से माचिस छीनी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसी सूचना पर मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच व्यक्ति ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वह मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल के यहाँ पिछले 6 महीने से नौकरी कर रहा था और उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह एक दलित युवती से किया था, जिसमें कई साल साथ रहने के बाद इसकी पत्नी अपने मायके चली गई। अब व्यक्ति का आरोप है कि उसकी पत्नी के मायके वाले उसे उसके साथ नहीं भेज रहे हैं, बल्कि उल्टा उसको धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर उसने कई बार शिकायत की मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले उसने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत की थी। आज वह जानकारी करने आया था और इसी बीच अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास कर रहा था। भैया, मैं हरिजन की लड़की से शादी कर रखी है और उसके घर के पहले से ही नाराज रहते हैं, मेरे से खुश नहीं है। वे लेकर भी आई थी घर को के यकीन पर, और हम शादी करके वापसी भेज देंगे, हमारी भी इज्जत रह जाएगी। मैं उसके बहन के मकान पर लेकर भी आया पर वे मानने को तैयार नहीं थे। जब शाम होगी तो मैं वहाँ से डर की वजह से, मैं कहा इसकी साथ ना कुछ हो जा घटना या मेरी साथ, तो मैं वहाँ से चल दिया। उसे कहेगा मैं कहा तेरे घर के तुझे विश्वास हो तो रुक जा, वे रुकी नहीं, वे मेरे पीछे आ गई। फिर हम आकर वहाँ इलाहाबाद गए, इलाहाबाद उसकी कागजों की जरूरत पड़ी जन्म सर्टिफिकेट की, वो था नहीं हमारे पर। फिर हमने मंदिर में कोट द्वार जाकर शादी कर ली थी, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये विवाद है अब चढ़ाए में आकर अपने घर वालों की, माँ आती थी पीछे और जो जहाँ पर हम रह रहे थे बुआ के यहाँ पर, उनके परिवार वालों के चढ़ाए में आकर वे दूसरी जगह बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सामने ऐसी ऐसी बात करते थे कि इसका घर ना धर, तू किसके चक्कर में आएगी, तेरे नसीब खराब हो गए, फुलाना ढिकड़ा। अब मैं 6-7 महीने से विधायक जी के पास था तो मैं उस पत्नी को वहाँ से लाना चाह रहा था, तो ये बोल कर डरा दी वे, अब तेरा मर्डर कर देगा ये नू कर देगा, तो वे आने को तैयार नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से हमारी बुआ हुआ ना समझाई, जब यहाँ आई 1 महीना ही हुआ था आई को, फिर
यहाँ से चौकी में जाकर बैठ गए। नहीं, मैं डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही ना कुछ हो रहा, उल्टा प्रेशर प्रशासन उसकी तरफ से मेरे पर डाल रहा इच्छा मृत्यु की और अपनी पत्नी को पाने की। एक व्यक्ति है पुष्पेंद्र उर्फ शेखर, इसकी करीब 8-10 साल पहले अंतरजातीय इसने विवाह किया था और इसका यह कहना है कि इसकी 2 बच्चे भी हैं और इसकी पत्नी इसके साथ रहना नहीं चाहती है दूसरी जाति होने के कारण। पूर्व में 1-2 बार इसने शिकायत की तो थाना मंडी से जानकारी की गई तो इसकी पत्नी बुला दी गई थी, वो रहना नहीं चाहती। आज ये डीएम कार्यालय पे आया और इसने आत्मदाह का प्रयास किया बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सूचना के। इसे स्थानीय सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आत्मदाह के प्रयास में। इसकी जो लीगली मदद इसकी पत्नी वाले मामले में की जा सकती है, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें जो इसके कथन हैं वो ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्ती मदद मांग रहा हो। हर चीज़, हर मदद एक नियम और कायदे के दायरे में होती है, उसमें निश्चित रूप से इसकी मदद की जाएगी, लेकिन ये इस तरह का जो आपराधिक कृत्य कर रहा है बिना किसी उसके, इसके लिए इस पे इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा हटाने पर सांकेतिक जाम लगाकर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसान मसीहा बाबा टिकैत की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर के चरथावन में भाकियू कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में चरथावन थाने के सामने रोड पर सांकेतिक जाम लगाकर नारेबाजी की, जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भाकियू कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के मसीहा बाबा टिकैत की प्रतिमा को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि अगर बाबा टिकैत की प्रतिमा पुनर्स्थापित नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इलाहाबाद के अंदर विकास प्राधिकरण ने बाबा टिकैत की जो मूर्ति थी उसे जबरदस्ती हटा दिया गया, उसके विरोध में आज पूरे भारत वर्ष में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारा भी यहाँ पर प्रदर्शन है और आगे की रणनीति चोई साहब के नेतृत्व में होगी, माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, क्योंकि जो ये सरकार ने तानाशाही की है, इस सरकार की तानाशाही हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बाबा टिकैत की जो मूर्ति थी वह महात्मा टिकैत में किसानों के अनुयायी थे, वे किसानों के भगवान है, देवता है। अगर उनकी मूर्ति के लारा छेड़छाड़ की गई तो हम यहाँ के ईंट पर ईंट बजा देंगे। यहाँ पर अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और बाबा टिकैत की मूर्ति जहाँ पर थी यथास्थिति में वहाँ पर स्थापित नहीं की गई तो यहाँ पर आंदोलन जबरदस्त होगा, यहाँ पर चक्के जाम होंगे, हर तरफ पूरा आंदोलन होगा, रोड जाम किए जाएंगे। उसे लेकर आज जो विरोध प्रदर्शन है ये तो एक सांकेतिक है, आगे जो भी निर्णय होगा वो आज भी पंचायत होने वाली है, उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि उसमें क्या करना क्या नहीं करना। गुरुवार को जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा नुमाइश पंडाल में आयुष परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सुभाष चंद्र शर्मा, जिलाधिकारी राजीव शर्मा, एडीएम ई हरीश चंद्र मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान आयुष विधि पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं विश्व योग दिवस के अवसर पर बाल साधकों ने योगा के गुर दिखाए। बाल साधकों द्वारा किए गए योग से सभी आश्चर्यचकित हो गए। बुधवार शाम जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा नुमाइश पंडाल में शाम एक गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। शाम एक गजल का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध गजल गायकों ने एक से बढ़कर एक गजल सुनाई। गजल से नुमाइश पंडाल सराबोर हो गया, वहीं सभी ने गजलों का खूब आनंद उठाया। देखिए, जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी 2018 में बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बुढ़ाना शुगर मिल की जानिब से एक ये प्रोग्राम शामे गज़ल के नाम से प्रस्तुत किया गया था, जो गोल्डन ईरा की प्रस्तुति थी, जिसमें कलाकार कुल टोटल 14 थे, जिसमें 3 सिंगर थे, बाकी उनके साजिंदे थे। ये कलाकार कानपुर, दिल्ली,
और लखनऊ से आए हुए थे। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव भैंसानी इस्लामपुर में रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं सहित घर के पुरुष भी घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और जी हमारे घर में बढ़ के हमारे काम लगा हमें फंसी देने लगे थे, हमारे बच्चे छुटाने लगे तो इन्हें हमारा लगे लक लेगा हथियार ले रहे कट्टे ले रहे इन्हें हमारा न लगे थे। हमने अंदर बढ़ कर भी कुंडी दे ली थी, पुलिस का फोन करा दी, पुलिस पहुँची गई, हमने दुआ लोग हो गए काम करी थे बटने हमें 3 बार मारे थे। कस्बा जानसठ के मोहल्ला हुसैनपुरा के सामने स्थित डाक बंगले के निकट की सरकारी जमीन पर भूमाफिया आयोग द्वारा अवैध कब्जा पर प्लाट काटने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए वार्ड सभासद अनुज सैनी ने कागजों और साक्ष्य के साथ तहसील दिवस में ADME हरीश चंद्र को इसकी शिकायत की, जिस पर ADME हरीश चंद्र ने तहसीलदार को कार्यवाही के आदेश दिए और भूमाफियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी आदेशित किया। कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा दक्षिण सिविल लाइन कॉलोनी में ये जो जमीन है इसके खसरा नंबर 468 और 468/5 जो सरकारी कागजों में बंजर और खुदान में दर्ज हैं, इनको कुछ भूमाफिया अवैध रूप से कब्जाना चाहते हैं। मेरा यह प्रयास है कि इस भूमि को सरकार अपने उससे निकाल ले और इसको निकालते हुए सार्वजनिक काम किए जाएँ, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फायर स्टेशन या रोडेज बस स्टैंड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। गुरुवार को विश्व योग दिवस के अवसर पर जनपद सहारनपुर के क्लब विक्टोरिया, पैरामाउंट ट्यूलिप और हैंड्स टू केयर संस्था द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष संस्था के अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक द्वारा जनता को योग के आसनों की जानकारी दी गई। वहीं सभी ने एक साथ योग किया। इस दौरान हैंड्स टू केयर संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। जानसर थाना क्षेत्र के गांव कवाल की पुलिस चौकी के समीप विद्युत लाइन पर काम कर रहा संविदा कर्मी खंभे से गिरने के कारण घायल हो गया, जिसे डायल 100 पुलिस ने CHC में भर्ती कराया। दरअसल गांव कवाल निवासी अरशद विद्युत विभाग में संविदा पर लाइन मैन का काम करता है। गुरुवार को पुलिस चौकी के समीप वह खंभे पर लाइन पर काम कर रहा था, जिसमें अचानक करंट आने से युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वह खंभे से नीचे गिर गया। वहीं गाड़ी सही कराकर आ रही डायल 100 पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को अपनी गाड़ी से CHC में भर्ती कराया। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र की कृष्णा नदी के पुल के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक घायल हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को CHC में भर्ती कराया। दरअसल मुजफ्फरनगर निवासी सुफियान थाना भवन जा रहा था, जब वह कृष्णा नदी के पुल के समीप पहुंचा तो सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को CHC में भर्ती कराया। ये एक्सीडेंटल केस है, इसका नाम है लड़के का सूफियान सनोफ श्री आमिर आजम, ये मुजफ्फरनगर खालापार के रहने वाला है। अभी यहाँ रोड पर ट्रैक्टर से टकराया है, लेकिन अभी इसकी स्थिति स्थिर है, ठीक है, कोई गंभीर चोट नहीं है। कुछ लोग लाए थे लोकल के। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कस्बा जानसठ में पहुंची, जहां टीम ने डोर टू डोर जाकर टीबी के मरीजों की जांच की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने टीबी के मरीजों की जांच के नमूने परीक्षण के लिए लैब को भेज दिए। वहीं टीम के अधिकारियों ने बताया कि यदि टीबी की पुष्टि होती है तो मरीजों को घर पर ही इलाज मुहैया कराया जाएगा। कुछ घर देखे हैं साथ में और पूरी टीम हमारी साथ रही है। फिलहाल आज की जो स्थिति है, आज कम से कम हमें कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला, लेकिन ये अगर हम लगातार हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें निश्चित रूप से मिलता है। गुरुवार को कस्बा जानसठ स्थित DAV इंटर कॉलेज के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय योग संस्थान द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जानसठ तहसीलदार पुष्कर नाथ चौधरी मौजूद रहे। योग शिविर की अध्यक्षता ईश्वर शरण वाले ने की। योग शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे, जिन्होंने योगाभ्यास किया। योगाचार्य द्वारा साधकों को योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई और विभिन्न बीमारियों के उपाय भी बताए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, डीआईजी शरद सचान सहित सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं सहित जिले के लोगों ने भी इस योग शिविर में हिस्सा लिया, जहां सभी ने एक साथ योग किया। वहीं योगाचार्य द्वारा योग के विभिन्न आसनों की जानकारी दी और योग को सभी बीमारियों का उपाय बताया। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल खबर सराहट कर।